कैलाश की तीन वादियाँ बिरेर, रंबूर और बम्बुरेत, जहाँ ज़्यादातर कैलाश के लोग रहते हैं। चतराल सिटी से 12 किलोमीटर पीछे ये रास्ता अयुन गांव से होता हुआ कैलाश की तरफ जाता है। यह है अयुन वैली, गेटवे टू कैलाश। पहाड़ों के दामन और दरियाई चतराल के दोनों अतराफ फैला हुआ अयुन का यह खूबसूरत गांव भी काबिले दीद है। पथरीली पहाड़ों को छीरता हुआ कैलाश जाने वाला ये सड़क भी पाकिस्तान की खतरनाक सड़कों में शुमार किया जाता है, जिस पर पहली दफा सफर करने से घबराहट होती है, मगर अब तो हम आदी हो चुके हैं। इस पुल के आखिर में रोड राइट साइड पे रंबूर, जबकि लेफ्ट साइड पे बम्बुरेत की तरफ जाता है। पहाड़ों से निकलकर आबादी में पहुंच ही गए। हम अनीश गांव पहुंच गए हैं और यहां पे हमने एक गेस्ट हाउस में स्टे किया है। अभी जाएंगे कैलाश की तरफ जहां पे फेस्टिवल हो रहा है, तो अभी चलते हैं। रास्ते में जो खूबसूरत स्पॉट्स आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम ब्रुन गांव में हैं। यहाँ दरिया की उस साइड पे एक पार्क बना हुआ है जिसमें कैंपिंग पॉट्स है, तो वहाँ चलते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। त्योहारों के अलावा वादी कैलाश की अपनी कुदरती खूबसूरती है, इनके लिए जो देखना चाहें। जो कैंपिंग पॉट्स बने हुए हैं वो बुक हो चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे वहाँ कैलाश में, हम स्टे करेंगे रात को। और हम पहुंच गए क्राकाल गांव, जहाँ पे फेस्टिवल होगा। यहाँ पर भी सारे होटल्स बुक हो चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल ग्राउंड के आसपास जगह मिल जाए। यह है वो ग्राउंड जहाँ पे फेस्टिवल होता है, और हमें यहाँ जगह मिल गई फेस्टिवल ग्राउंड के करीब। फ्रेश होने के बाद हम निकल गए कुदरती नज़ारों को देखने, जिसकी अब आदत बन गई है। अभी चलते हैं कब्रिस्तान। यह है कैलाश कबीले का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को देखने, फोटो या वीडियो बनाने पे कोई पाबंदी नहीं, मगर कब्रों या हड्डियों को छूना आपको महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे एक लकड़ी का संदूक होता है जिसमें मुर्दे को रख दिया जाता है, लेकिन अब ये बाकायदा तौर पर मुर्दे को दफनाते हैं। इसी गली में बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप कैलाशी गारमेंट्स और एंटीक्स खरीद सकते हैं। कैलाश में छतराली टोपी पहन ली, 2 घंटे बाद फेस्टिवल शुरू होगा। मैं यहाँ बालकनी में बैठ के यहाँ का खूबसूरत मंजर एंजॉय कर रहा हूँ।
अगली सुबह हम हो गए वापस।